यहाँ ललिता जी के साथ कृष्ण भगवान की शादी हुई थी भाद्र मास बावन द्वादशी कृष्ण पद में। मेला लगता है, कन्यादान होता है। ये राधा रानी के मेहंदी के निशान है, जो ये दिख रहा है ये मेहंदी है। ये कृष्ण भगवान के बाल रूप के चरण है। अच्छा। ये बंसी है, ये कटारी है, ये मुकुट है, इधर देख रहा है जी। और ये सात चार स्वरूप है। ये कृष्ण भगवान है, इधर से इधर बैठ गए। इधर ये कृष्ण भगवान है, हाँ जी। ये राधा रानी जी, ये ललिता सखी, ये सात चार स्वरूप। जय गुरु श्याम ठाकुर जी दिख रहे हैं आप सुन रहे हो। हाँ, अगर आप देखो किसी को नहीं मिलते हैं, नसीब वाले को मिलते हैं जी। ये फिसल निशला, ये फिसल निशला पे गुलाल लेके आते हैं, रंग लेके आते हैं। है आपके पास में? नहीं, आज हमें पता होता हम लाते हैं। बात हर की बार आए जब लेके आना, पूरा ही संगार लेके आना। अच्छा जी, ठीक है। अब तो इनको हम बार बार याद करेंगे। बिल्कुल। ये लेके आएंगे हमको, नहीं राधा रानी को याद करना। अरे तो आप भी तो राधा रानी से जुड़े हुए हैं। ये राधा रानी का मंदिर एक बार जूम करके देखते हैं कितना हो पाता है। ये राधा रानी का मंदिर है, ये चरण चिन्ह है। ये उंगलियां, ये एड़ी है, पूरा पैर का दोनों का निशान है ये राधा। ठीक है। वीडियो ले रहे हो जी, बोलिए। यहाँ का महत्व बता आज की सखियों में से ललिता सखी प्रधान सखी, वही राधा जी का उनका श्रृंगार करती है। इसी गांव के रहने वाली यही स्थान है। शनिवार छठ को ललिता छठ को यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो मनाया जाता है। हाँ जी, दर्शन ये तीसरी सखी के दर्शन है। हाँ जी, लेट आए। हम आए थे 3:30 बजे के आसपास, तो पहले गए ललिता सखी के यहाँ पर, हाँ ऊंचा गांव। उसके बाद अभी इस साइड होके आए हैं। कभी देखो आपको पहले उससे इंद्रलेखा से चालू करना था, इससे छाता बरसाना है ना, वहाँ से चालू करना था। फिर आप इधर आते, फिर कमल जाते, फिर उधर निकल जाते, बरसाना चिकसोली। अभी ये जो हमारे साथ लड़का है ना, ये हमें करवा रहा है, तो हमें तो पता नहीं था। हमारा पहली बार है ना ये सखियों के यहाँ पर। मैंने हम तो बरसा कभी आओ ना, पहले आदनोकवाली से चालू करो। ठीक है, आदनोकवाली से फिर तीनों सखी हो। अभी आदनोकवाली से होके आए हम। आदनोकवाली से फिर तीनों सखी हो जाएंगे। फिर चिकसोली गांव है ना, चिकसोली गांव में चित्रा जी है, और उधर रंग देवी सुदेवी सारी सखियां हैं। हाँ जी, बरसाने के आसपास ही हैं वो। जी 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 बाबा आ गए जी। इसको पकड़ो। तो आपको बता, ये बाबा घमंड देव जी चंपक लता जी की जो सेवा है, आप सावधान हो जा जी। चंपक लता जी की सेवा है, जो खुआ से मिठाइयाँ बनती हैं ना, उनको बनाने में निपुण थी। और किशोरी जी को चमर सेवा करती थी, चमर ढुलाती थी, और किशोरी जी को खेलने के लिए मिट्टी के खेल खिलौना बनाती थी।
और ये ब्रज की लताका पताका है ना जी, इनकी रखवाली इनकी जिम्मे थी। अच्छा, ये बाबा धनंजय जी आपको तस्वीर में दिख रहे, ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमटोला, गांव का नाम था दूबर। इनका ब्राह्मण कुल का जन्म है, इनके पिताजी का नाम था बहुदेव जी, उनकी सगाई हो गई, शादी नहीं हुई, बाबा बन गए। बहुदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों को खबर की, भाई हमारा लड़का तो शादी हो गया, अपनी लड़की का रिश्ता कन्या कर दो। एक साल के बाद में लौट के साधु समाज के साथ अपने गांव में आए, फिर जब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था, फिर उनका खबर की कि भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, भाई वगैरह, पिताजी, सारे सब आए, वो लड़की भी आई थी जिसकी सगाई हो रही थी। संत के सब पैर छूटे, तो भाइयों ने पैर छुए, पिताजी ने छुए, फिर लड़की ने भी पैर छुए, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्र वधु हो। वो आश्चर्य कर गई, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी शादी हुई नहीं, आपने आशीर्वाद दे दिया पुत्र वधु हो, ये समाज क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, निंद्रा का काम होगा। मैंने आपके जो बच्चा पैदा होगा ना, वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा, हथेली में छाला पड़ा उससे ये घमंडी जी पैदा हुए। अच्छा, अच्छा। ये 12 साल के हो गए ना, तो इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया, वृंदावन अच्छा, में आके हर व्यास देवाचार्य जी के शिष्य बन गए, बाबा बन गए, ये भी बाबा बन गए। इन्होंने यहाँ रमणी के स्थान देखकर तपस्या की, इनका नाम था उद्धव। हाँ, इनसे ये किसी से बोलते नहीं थे, लोग कहने लगे ये बहुत घमंडी है, ये किसी से बोलता नहीं है, तो घमंड देव नाम पड़ गया। इन्होंने ऐसी तपस्या की कि राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया, तब भगवान ने इनको आज्ञा दी कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लोग राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो, सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए और राधिका जी अपनी चमकाई दे रही है, इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं, बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई ही लीला का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सुतने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे आप बने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए, यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए, तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। ये बाबा घबरा गए, बता ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे कहाँ से वापस करेगा, कैसे ठाकुर जी के लीला उनका प्रचार प्रसार होगा, और कोई सहारा नहीं मिला, समाधि लगाकर फिर भगवान के ध्यान में बैठे, दोबारा भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीला। हाँ हाँ लाला, हाँ कहाँ से वापस करूँगा। फिर भगवान ने देखो सामने वो बच्चे प्रकट किए नीचे जी, फिर यहाँ पे रास हुआ जिस पे आप लोग खड़े हैं ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रास लीला मंडल है, भगवान ने लीला यहीं से स्टार्ट की थी, वृंदावन में निर्वन की लीलाएं होती है, रास की प्रागट स्थिति है ना जिस पे आप खड़े हैं ना, वो ही है। फिर रास हुआ, फिर ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे, तो ब्राह्मण देवता मंडली बनाकर एमपी दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने कालीनाग जमुना के अंदर से नाचा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढंग फैलाते बोलते हो। ब्राह्मणों को भड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है, तो उदास होके बैठे थे। पहले ऐसे छोटे छोटे बच्चे रास में ठाकुर जी बनाते थे, वो बच्चे बोले आप क्यों उदास है, उन्होंने बताई लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने कालीनाग जमुना के अंदर से नाचा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखा, नहीं जेल में बंद कर देंगे, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मण ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी, तो राजा ने
जो सर्प पकड़ते हैं ना, सपेरों को बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सर्प छुड़वाया। अच्छा। रास लीला हुई, रास लीला भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। अच्छा। सीधा माँ सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मारी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो तीन घंटा तक नहीं निकले, देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। तीन घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से कालीनाथ को नाथ कर भगवान कालीनाथ के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सर्प को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल बन रहे थे यहाँ पर महल बनवाए, और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उत्तर्त भादो लगत क्वार की पूर्णिमा आती है, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा को आता प्रशासन के साथ उसे पहनकर ही महाराष्ट्र लीला होती है। इस गांव का नाम है करहेला। कर माने संस्कृत में हाथ से बोलते हैं। एक बार कामदेव जी से नारद भगवान की भेंट हो गई। कामदेव जी बोलने लगे, लंबा हो जाएगा भगवान ने नारद भगवान से बोला कि आप मेरे से युद्ध कीजिए, नहीं कोई उपाय बताइए, मेरी भुजाओं में खुजार चल रही है। अच्छा। नारद भगवान बोले, श्रीमन नारायण नारायण, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे युद्ध कर सकूं। हाँ, आपको उपाय जरूर बता सकता हूँ, आप श्री वृंदावन धाम जाइए, वहाँ कृष्ण भगवान मिलेंगे, वो आपसे युद्ध कर सकते हैं। तो कामदेव जी वृंदावन में आए, भगवान के लिए दंडवत प्रणाम कुछ नहीं की, सीधे बोलने लगे मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भाई कामदेव, युद्ध होते हैं दो प्रकार के, एक होता है किले का, एक होता है मैदान का, आप कौन सा युद्ध करना चाहते हैं? जी। कामदेव जी चक्कर में पड़ गए, किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है, आप मेरे को समझाइए। और किले का ऐसा होता है, मैं किले के अंदर छिप के बैठ जाऊंगा, आप अपने बाण चलाना। क्यों? कामदेव जी माया रूपी बाण चलाते थे, ऋषियों की तपस्या भंग किया करते थे, कभी अप्सराएं प्रकट कर दी, कभी ऋतुओं का बदलाव कर दिया, कभी नाचने गाने वाली प्रकट कर दी। अगर तेरी माया ने मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया तो मैं हार गया, तू जीत गया। मैदान का ऐसा होता है, मैं आधी रात के टाइम पर मैं 16 सहस्त्र गोपियों के साथ महाराष्ट्र की जगह चूंगा, आप उसमें आना, उनमें एक से एक सुंदर आएंगी, उनको देखकर तेरा मन चलायमान हो गया, तो तू हार गया, मैं जीत गया। क्यों? कृष्ण भगवान को बाल योगी कहते थे, बाल जति कहते थे। एक बार गोपियों के अंदर शंका हुई, महाराज आप इतनी गोपियों में रहते हैं फिर भी आपसे बाल योगी कहते हैं और दुर्वासा ऋषि से दुवारी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान बोले, हे गोपियों, पहले आप दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लो। जो दुर्वासा ऋषि का स्थान है ना वृंदावन में, जमुना जी से पल्ली पार है, उनके दर्शन के लिए जाइए और जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दुवारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। गोपियाँ गईं, गोपियों ने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया। फिर ऐसी चढ़ गई, तेजी से बहने लगी, गहरा पानी हो गया, उधर दर्शन कर लिए। अब दुर्वासा ऋषि से बोलने लगी, महाराज हम इधर से कैसे जाएं, हम पहले कैसे आई थी? तब तो कृष्ण भगवान ने ऐसे बताया था कि जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूबा आ रही है तो हमको रास्ता दे दो। तो हमने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने रास्ता दे दिया। अब ऐसे कहना, अगर कृष्ण सच्चा बाल योगी है, बाल जीती है, तो जमुना माँ हमको रास्ता दे दो। तो फिर एक गोपियों ने ऐसे बोला तो फिर जमुना माँ ने रास्ता दे दिया। तो दोनों की परीक्षा हो गई, कृष्ण भगवान की भी हो गई, दुर्वासा ऋषि की भी हो गई। उधर कामदेव ने युद्ध तय किया था मैदान का, तो भगवान वृंदावन से इधर आए।